प्रेम से बोलो साचे दरबार की। मतलब रउआ सब समझ जाए कि बना था तब बेहतरीने बनी। बहुत ही यूनिक तरह से दोस्तों इस बार का दुर्गा पूजा पंडाल होने वाला है। यह पंडाल हर जगह से हट का ये पंडाल बन रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक गोपी साहब का दोस्त आपके साथ है। तो गाइस, बहुत जल्द दुर्गा पूजा आने वाला है। माता रानी दोस्तों अब आने वाली है, बहुत जल्द, लगभग 10-15 दिन बाकी है। और गाइस फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं सासाराम के दोस्तों तकिया में। और गाइस यहां पर रोहतास जिला का दोस्तों नंबर वन दुर्गा पूजा पंडाल यहां पर बनता है। पिछली बार दोस्तों यहां पर सासाराम के तकिया में जो था, यहां पर राम मंदिर के तर्ज पर बहुत ही शानदार यहां पर दुर्गा पूजा पंडाल यहां पर बनाया गया था। लेकिन दोस्तों इस साल जो है यहाँ पर सासाराम के तकिया में यहाँ पर जो है केदारनाथ मंदिर के थीम पर बहुत ही शानदार दोस्तों यहाँ पर इस साल का भी दुर्गा पूजा पंडाल होने वाला है। तो पीछे में आप देख सकते हो यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल केदारनाथ के थीम पर यहाँ पर जो बनना है वो शुरू हो चुका है। लगभग अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो पूरा अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं कि इस साल का दुर्गा पूजा पंडाल जो है केदारनाथ का कैसा, कितना खास दोस्तों होने वाला है। बस आप लोग इस ब्लॉग में बिल्कुल इन तक बने रहिएगा। गाइस फिलहाल अभी आप देख रहे हो तो भाई तकिया के ग्राउंड में भाई पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो रखा है भाई, क्योंकि बारिश हुआ है बहुत ही तेज। पंकज जी लग रहा है गिरिए जाएंगे, इतना हल्का है फिर भी गिर रहा है एकदम भाई। संभाल कर हम लोग को आगे जाना पड़ेगा मन आपको ये एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए नजदीक से होकर आपको जो पंडाल है वो आपको एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल सामने आप देख सकते हो पूरा जो केदारनाथ का जो यहाँ पर पंडाल है दोस्तों, एकदम ये फ्रंट वाला लुक है। और फिलहाल इसको अभी रेडी कर लिया गया, जो स्ट्रक्चर है उसको रेडी कर लिया गया है। और बहुत सारे अभी काम है एकदम दोस्तों, एकदम जोरों शोरों से चल रहा है, आराम से चल रहा है भाई, आराम से। इस देख लो ये ही है यहाँ पर फ्रंट का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो। ये केदारनाथ मंदिर में जिस तरह का मतलब जो होता है आगे वाला स्ट्रक्चर वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद जो है मतलब कपड़ा उपड़ा से इसको बनाया जाएगा पूरा एकदम मस्त तरीके से, इसको एकदम केदारनाथ मंदिर के दोस्तों इस पंडाल का लुक दिया जाएगा। मतलब रउआ सब समझ जाए कि बना था तब बेहतरीने बनी जी, हमेशा टॉपे में रहला है, एकदम टॉप रहला है यहाँ का, एकदम टॉप रहता है गाइस यहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल। देखिए मेन चीज क्या होता है ना कि यहाँ पे स्पेस काफी अच्छा होता है, बिल्कुल, और लोग यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में आ जाते हैं, लोग ज्यादा प्रेजेंट हो पाते हैं, क्राउड भी बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। देख सकते हो पूरा ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर तकिया में ग्राउंड है, इसी के मतलब यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला भी लगता है। और बहुत सारे मतलब जो लोग है लाखों की संख्या में भाई यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए आते हैं भाई। तो गाइस वैसे तो आप देख सकते हो ये सासाराम में केदारनाथ मतलब जो है ये जो थीम है दुर्गा पूजा पंडाल का पुराना हो चुका है। लेकिन गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सासाराम में तकिया में जो दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है केदारनाथ के थीम पर, ये सबसे यूनिक होने वाला है, सबसे दोस्तों हट कर होने वाला है। वैसे तो आपने बहुत सारे दुर्गा पूजा पंडाल केदारनाथ का देखा होगा, लेकिन गाइस ये जो दुर्गा पूजा पंडाल है खास इसलिए होने वाला है क्योंकि गाइस यहाँ पर जो पंडाल है, जैसा कि मतलब आप केदारनाथ धाम में देखे होंगे कि वहाँ पर जो है वो जो मंदिर है भाई पहाड़ से घिरा हुआ है, और गाइस ठीक उसी तरह का दोस्तों ये जो यहाँ का जो दुर्गा पूजा पंडाल है ठीक उसी तरह का दोस्तों यहाँ का भी पंडाल होने वाला है। ये भी जो पंडाल है केदारनाथ जो मंदिर है भाई तीनों तरफ से पहाड़ से भाई घिरा हुआ होने वाला है। बिल्कुल सामने में आप देख सकते हो गाइस ये जो अभी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ये पहाड़ का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और बिल्कुल इधर में आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है ये केदारनाथ मंदिर का है। तो समझ सकते हो गाइस ये जो पंडाल जब बन जाएगा तो कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा भाई। हर साल की भांति इस साल भी हमारे आदर्श नवयुवक संघ के कमेटी द्वारा बहुत भव्य पंडाल का निर्माण कर रहा है। यह पंडाल केदारनाथ के रूप में प्रस्तुत करेगा, बहुत आकर्षित चीज होने वाला है, बहुत यूनिक चीज यहाँ बन रहा है। चारों धाम का यात्रा जो हम लोग करते हैं केदारनाथ में, उसी का यह पंडाल के रूप में हम लोग विस्तृत करेंगे। यह पंडाल हर जगह से हट का यह पंडाल बन रहा है। कैसे हट कर होने वाला है? क्योंकि यहाँ लगभग इसका चौड़ाई 175 फीट है। अच्छा। और लंबाई 110 फीट है और चौड़ाई 175 फीट के रूप में हमारे बंगाल से आए हुए कारीगर अच्छा, इस पंडाल को मैंने विस्तृत रूप से निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पहाड़ जो है यूनिक पहाड़ बन रहा है, पहाड़ के साथ साथ केदारनाथ मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। और यहाँ जैसे जैसे केदारनाथ मंदिर में जो जो भगवान हैं, जो जो मूर्तियाँ हैं, वहाँ हम लोग यहाँ विस्तृत रूप से निर्माण कराएंगे। क्या बात है। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही यूनिक कंसेप्ट पर ये जो दुर्गा पूजा पंडाल है यहाँ तकिया में बनाया जा रहा है भाई।
और गाइस बिल्कुल सामने में आप देख सकते हो केदारनाथ मंदिर का फोटो। ठीक इसी तरह का दोस्तों ये जो मंदिर है, पंडाल है, ठीक इसी तरह का दोस्तों होने वाला, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड में दोस्तों पूरा ये जो मंदिर है पहाड़ से घिरा हुआ है, ठीक उसी तरह का दोस्तों ये भी यहाँ पर पंडाल पहाड़ से गाइस घिरा हुआ होने वाला है। आप लोग भाई कहाँ से हो? हम लोग टकिया से। टकिया से हो तो कैसा लग रहा है भाई अपना सासाराम में केदारनाथ मंदिर का यहाँ पर दर्शन होगा बहुत जल्द, बताओ? हाँ, बहुत जल्द केदारनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। बोलो एक बार, जय श्री केदार नाथ, हर महादेव, जय माता दी। बोलो हर महादेव, हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी। लड़का अभी तो नहीं मनी ला जाता भाई, ये करा के परफेक्ट होके में अभी टाइम लगी, तो यो टाइम लगे में अभी ना हो लागे कैमरा सही। तो गाइस उधर में मैंने आपको दिखा दिया गाइस, ये सब जो है यहाँ पर पहाड़ वगैरह होने वाला है, और ये तो आप देख ही सकते हो ये जो है केदारनाथ मंदिर है, जो कि गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो केदारनाथ का जो आप पंडाल देख रहे हो सबसे गाइस ऊंचा होने वाला, लगभग इस पंडाल की जो हाइट है 110 फीट ऊंचा दोस्तों होने वाला है। और बिल्कुल इधर में भी आप देख सकते हो गाइस, इधर में भी जो पहाड़ है वो बनाया जा रहा है, मतलब आप देख ही सकते हो पूरा जो पंडाल है पहाड़ से गाइस घिरा हुआ होने वाला है। चलिए हम अंदर से आपको दिखा दें कि अंदर से जो पंडाल है कैसा होने वाला है। गाइस फिलहाल अभी हम लोग पंडाल के अंदर आ चुके हैं, और गाइस ये वो जगह होने वाला है जहां पर माता रानी दोस्तों विराजमान होंगी, यहीं पर माता रानी यहां पर विराजमान होंगी। और गाइस फिलहाल अभी आप देख सकते हो गाइस जो पंडाल है अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पूरा मतलब बहुत ही बड़ा है अंदर से भी, और बिल्कुल सामने में आप देख सकते हो यहां पर जो है माता का प्रतिमा यहां पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर वर्कर लोग हैं, कारीगर हैं। तो आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप लोग? मुमताज मेरा नाम हुआ, बंगाल से। बंगाल से हैं जी। अच्छा, तो कितना शानदार यह पंडाल बन रहा है? पंडाल तो बहुत शानदार बन रहा है, इसका हम लोग के पास फोटो दिया गया है, वही फोटो का अनुसार से अच्छा, अच्छा। तक बढ़िया से बढ़िया होगा वही बनाएंगे। और मतलब बिहार में आपने कहाँ कहाँ दुर्गा पूजा पंडाल बनाया है? बिहार में यहाँ से हम लगभग इस जगह पर हम लगभग 2015 से बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप 2015 से दुर्गा पूजा पंडाल बना रहे हैं ना? हर एक साल। वाह क्या बात है गाइस, तो देख सकते हो गाइस यहाँ का जो दुर्गा पूजा पंडाल होता है, बंगाल से दोस्तों जो आर्टिस्ट है वो लोग यहाँ पर आते हैं और दुर्गा पूजा पंडाल यहाँ का दोस्तों बनाते हैं, तो समझ सकते हो कितना भव्य यहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल बनता है। देख लो भाई यहाँ पर इस पंडाल में तो बच्चे एकदम यहाँ पर पहाड़ पर ट्रैकिंग करने लगे, भाई क्या बात है भाई, देख लो पहाड़ भाई बना भी नहीं है अभी पूरी तरह से, बच्चे लोग इसमें ट्रैकिंग करने लगे, वाह। यहाँ पर मेरे प्यारे फैमिली के मेंबर मिल गए हैं भाई, क्या नाम है आपका? आयुषी। कहाँ से हो आप? मैं यहाँ पर सासाराम से हूँ। बताओ कैसा लग रहा है भाई यहाँ पर पंडाल बन रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इधर राम मंदिर बनने वाला है। अच्छा अच्छा, भारी से भारी मात्रा में लोग आए और घूमे और देखे। अच्छा अच्छा, मेरा वीडियो देखते हो? आपका वीडियो देखता हूँ। अच्छा, अभी कौन हमने वीडियो डाला है? अभी राम मंदिर का अभी बनाए हैं, अभी घर पर जाएंगे तो हम ना डालेंगे। अभी कौन वीडियो डाले हैं? कौन अभी एक रेस्टोरेंट में जाकर देख रहे हैं ना। चलो चलो बहुत बढ़िया, चैनल है प्लीज सपोर्ट कीजिए। चलो भाई का भी चैनल है, क्या नाम है आपका भाई? आयुष भी, भाई का भी आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलो साचे दरबार की जय माता दी, जय माता दी। गाइस देख सकते हो आज मैंने आपको सासाराम के तकिया में दुर्गा पूजा पंडाल बन रहे वो मैंने आपको दिखाया, आज आप देख ही सकते हो कितना भव्य इस साल का दुर्गा पूजा पंडाल होने वाला है। इस साल का जो दुर्गा पूजा पंडाल है केदारनाथ के थीम पर दोस्तों बनाया जा रहा है, और बहुत ही यूनिक तरह से दोस्तों इस बार का दुर्गा पूजा पंडाल होने वाला है। मैंने आपको बता ही दिया कि कितना खास, कितना यूनिक होने वाला है, चारों तरफ से ये जो पंडाल है, जो मंदिर है पहाड़ से दोस्तों इस बार घिरा होने वाला है। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो गाइस फिलहाल आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग गाइस, बाय बाय, जय माता दी।